नमस्कार दोस्तों, अभी हम अपने चैनल पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि एक अभी जो ताज़ा तरीन और जो पूरा हॉट मुद्दा है, जिसमें प्रधान शिक्षक भर्ती की बातें चल रही हैं, जिसमें कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसमें जो एक्सपीरियंस का मामला है, जो कि अनुभव का मामला, एक बहुत बड़ा अड़चन इसमें साबित हो रहा है। तो बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा, नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा एक मांग रखी गई है शिक्षा विभाग के पास कि ताकि उनको भी इसमें मौका दिया जाए। तो देखा जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें मौका दिया जा सकता है। शिक्षा विभाग ये सोच रहा है, चूँकि प्रधान शिक्षक हैं तो इसमें अनुभव की तो बात होती ही है, बिना अनुभव का तो काम होगा नहीं, क्योंकि प्रधान शिक्षक का मतलब न केवल विद्यालय को चलाना है, बल्कि उनके साथ जो काम करने वाले अन्य शिक्षक हैं उनको भी दिशा निर्देशित करना है, उनके लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करना है। फिर भी अगर चाहे अगर शिक्षा विभाग तो कुछ ऐसे नियमावलियों को तैयार करते हुए इन नवनियुक्त शिक्षकों को भी अवसर दिया जा सकता है, और जो अनुभव की बात है उसको बहुत कम रखा जाए ताकि इन्हें भी दिक्कत ना हो। आगे इन चीज़ों को कुछ नियमावली बना करके धरातल पर उतारने की कोशिश की जाए, क्योंकि हर एक विद्यालय में कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षकों की कमी है ही, और विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रधान शिक्षक अन्य शिक्षकों को अनुशासन में बांध के रखते हैं और पूरा विद्यालय एक अनुशासन में होता है, जिससे कि उनका कार्य चलता है। इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना संपूर्ण योगदान देते हुए सामूहिक रूप से मांग रखी है, जिसमें कई सदस्य हैं, जो यहाँ पर एक पेपर की कटिंग मैं दिखा रहा हूँ, जो कि बता रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला को भी लेकर के, और प्लस इस नवनियुक्त शिक्षकों को अब प्रधान शिक्षक की भर्ती में अवसर देने की मांग को लेते हुए। तो दोस्तों, ये मुद्दा तो है, अब इस पर शिक्षा विभाग जितना ध्यान देगी उतना ही हम सभी को फ़ायदा इसमें होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आप अपना पॉजिटिव और सकारात्मक रुख रखें, शिक्षा विभाग इस पर कुछ ना कुछ अपना निर्णय जरूर देगी। जिस शुरू में देख रहे थे कि जो मांग थी अनुभव की वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको रिड्यूस करते हुए, कम करते हुए कुछ हल्का किया गया। अब आगे अगर इस पर विचार चले तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर होगा। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।